बैक टू माई चैनल, दिस इज एनर क्रिएटिव। आपका दोस्त फिर से नया वीडियो के साथ वापस आ चुका है। सो सिंपली आज मैं कुछ हाउ टू स्टाइल का मैं कुछ वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आप लोग को फोटो शार्पनेस के लिए कुछ और ऐसा फिल्टर बताने वाला हूँ जो कि कोई भी पिक्चर, मतलब हम लोग सिंपली मोबाइल से खींचते हैं कोई, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हाई पास यूज करना है। सो मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और सिंपली मैंने फोटोज डाउनलोड किया है फिक्सन परफेक्ट से। सो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आई मीन ये फोटो भी ब्लैक है। सो सिंपली यहाँ पे तीन पिक्चर देख सकते हैं आप। सो इसमें से मैं थ्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को नेक्स्ट और लेयर नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ किया है। सो सिंपली आप विंडो में जाने के बाद लेयर ले सकते हैं, कोई भी टूल से आप लेने के बाद मिल सकता है आपको। सो सिंपली मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट वीडियो। सो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ कंट्रोल से और इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, डार्क बोर्ड के लिख देता हूँ। सो सिंपली और मैं इसको हाइड कर रहा हूँ मेन लेयर को। सो सिंपली हम लोग जाएंगे फिल्टर, फर्स्ट गो टू फिल्टर, उसके बाद 2020 वर्जन में, फोटोशॉप 2020 में एक्चुअली इसमें कुछ अपडेट आया जो कि देखने को मिल रहा है अभी। अदर्स में ही डाल दिया है, मैक्सिमम पहले बाहर था। सो उसके बाद हाई पास में जाएंगे। हाई पास में जाने के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है। सो सिंपली मैं यहाँ पे 1.8 यूज कर रहा हूँ, 1.8 भी कम हो रहा है, 1 ही यूज कर लेता हूँ। सो सिंपली 1 यूज किया है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल काइंड ऑफ ब्लाइंडिंग ऑप्शन है। सो सिर्फ ब्लाइंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे हाईलाइट, सॉरी ओवरले और सॉफ्ट लाइट है। मैं सॉफ्ट लाइट यूज करने वाला हूँ, ओवरले भी यूज कर सकते हैं और पिक्चर को ऑन करके देख लीजिए और आप लोग समझ रहे हो पिक्चर में कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिंपली एक बार जूम करके देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बार पिक्चर को सिंपली जूम करके देख सकते हैं और डार्क लेयर को ऑफ करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और मैं फिक्सन में है पिक्चर, इसके लिए पे देख लीजिए। अभी जैसे ही डार्क ऑन किया तो वाइट फ्लैश लाइट है फेस पे, और जैसे ही बंद किया तो देख लीजिए डार्क हो चुका है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट भी कम है और हाईलाइट भी कम है। इसके लिए देख लीजिए अभी, इसके लिए क्वालिटी होता है। और मेक श्योर ये डार्क पिक्चर है और मैं एक और मतलब मैक्सिमम यूजेस हाईलाइट पे एक फीचर में दिखाने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लाइट है। सो सिंपली चेक करते हुए एक लेयर लेंगे और सिंपली मैं इसको कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नेम नहीं देने वाला हूँ। और जैसे फिल्टर प्लस एंड हाई पास में जाने के बाद इतना डार्क पिक्चर रहता है, हम लोग को कम रेडियस यूज करना है और जितना डार्क रहता है मैक्सिमम 2 रेडियस ही यूज करना। जितना हाईलाइटेड पिक्चर रहता है उसमें ज़्यादा रेडियस यूज करना आप लोग को। मैक्सिमम मैं इसमें 9 तक यूज कर रहा हूँ क्योंकि देख सकते हैं अभी पूरा हाईलाइट हो रहा है। तो ओके प्रेस कर देते हैं। तो सिंपली मैं फिर से यहाँ पे ब्लाइंडिंग ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी मैं सॉफ्ट लाइट ही डाल रहा हूँ और पिक्चर को ऑन कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जूम करके देख सकते हैं। मैं जो बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करना वरना जूम नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत किचन पे था, अभी बंद कर देते, देख लीजिए यहाँ पे ब्लर था, मतलब हाईलाइट में ब्लर रखा हुआ था और क्वालिटी भी थोड़ा सा कम था क्योंकि तो बहुत लाइट्स डाला हुआ है इसके लिए। तो सिंपली अभी देते देख लीजिए पिक्चर क्वालिटी कितना बढ़ चुका है। तो सिंपली ये एक्सप्लेन करना था मेरे को इस वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो न्यू कंटेंट के साथ में डालता रहता हूँ। सो एक और मैं पिक्चर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम पिक्चर है, मीडियम पिक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी कंट्रोल जे करके इसको भी मैं अभी बैकग्राउंड लेयर को हाइट नहीं करने वाला हूँ और सिंपली जाने वाला फिल्टर, फिर से हाई पास में जाने वाला हूँ। और मीडियम आपको लगता है कि ये पिक्चर का क्वालिटी ओरिजिनल नहीं है तो आप जाके 2 रख दीजिए, कोई भी पिक्चर कोई भी
रख दीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ब्लाइंडिंग ऑप्शन में जाना है, टॉप लाइट पे क्लिक कर देना है, देख लीजिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर जितना हाईलाइटेड एरिया है उसमें इस सॉफ्टनेस भी डाल देगा और ब्लैक एरिया है उसको हाइड कर देता है। जो सिंपली देख सकते हैं बिफोर आफ्टर एडिटिंग देख सकते हैं हाईलाइटेड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.